नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज मैं आपके पास पुनः लौटा हूं और आज हमारा वीडियो का जानकारी का टॉपिक है कि 30 जून से लेकर के 20 नवंबर तक शनि जो है स्व राशि का स्वगृह हो चुके हैं। जी हां दर्शकों, 30 जून से बृहस्पति शनि के साथ बैठ करके जो है नीच भंग राजयोग बना रहे थे, यानी शनि अकेला नहीं था, शनि के साथ में जो है बृहस्पति का भी समझिए कि युति बना हुआ था। और नीच भंग राजयोग जब बनता है तो एक राशि का नीच होना और दूसरे राशि का स्व राशि या उच्च का होने से बनता है, अर्थात वह दूसरे राशि के स्वामी के ग्रहों के फल में थोड़ी सी कमी निश्चित तौर पे देखी जाती है। लेकिन अब क्योंकि शनि स्व राशि का हो चुके हैं, वक्र अवस्था में ही हैं, लेकिन स्वतंत्र हैं, तो मैं बताऊंगा कि किस लग्न और किस राशियों वालों के लिए यह बहुत ही शुभ संकेत देने जा रहा है। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का लग्न है, अर्थात जन्म तिथि है, जन्म पत्रिका है, आप लग्न से ही इस फल को देखें, और जिनकी जन्म पत्रिका वगैरह नहीं है तो अपनी नाम राशि या चंद्र राशि से जो है इस फल को समझ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि का स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक होता है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शनि जो है इतना महत्वपूर्ण ग्रह है कि आप इनके महत्ता को समझेंगे तो आपको पता चलेगा। जी हाँ, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शनि जो है इनको घर से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में जो है पृथ्वी पे इन्होंने वनवास भी किया और साथ में जो है वनवास करने के दरमियान में जो है यह स्वर्ग युग का निर्माण भी पृथ्वी पे किए। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, फैक्ट्रियां होते हैं, टेंडर होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, भूमि निर्माण से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, यह सभी जो होते हैं शनि के अंतर्गत में ही होते हैं। जो बहुत ही ज्यादा हाई फाई तरीके से पशुपालन भी करता है, इसके भी स्वामी जो होते हैं शनि ही होते हैं। और साथ में जो है जो व्यक्ति अपने जीवन में लोहे से रिलेटेड या खनिज पदार्थ से रिलेटेड जितने भी काम करते हैं, इसके सभी के स्वामी शनि होते हैं। अब क्योंकि शनि संघर्ष के कारक है, यही कारण है कि घर से निष्कासित कर देने के बाद भी जो है इन्होंने अपने कर्म और क्षमता के बल पे, अपने लग्न के बल पे जो है इन्होंने इतना बड़ा बड़ा साम्राज्य को जो है विस्थापित किया। अतः जो व्यक्ति शनि के प्रबल होने में या शनि की महादशा में अत्यधिक मेहनत करता है, अत्यधिक परिश्रम करता है, उसे शनि स्वयं आकर के फल देते हैं। अतः शनि जो प्रबल हो रहा है, आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा। साथ में जिनको पेट संबंधित, कफ संबंधित, वायु संबंधित रोग है, घुटना संबंधित रोग है, उनके लिए भी शनि स्व राशि का स्वतंत्र होना शुभ होगा। तो चलिए बताता हूं मेष लग्न वाले, आपके लिए शनि का स्वतंत्र होना कितना फायदेमंद रहेगा। आपके लिए नौकरी और व्यापार से रिलेटेड सफलता के योग बनेंगे, पिता और माता से रिश्ते अच्छे होंगे, संपत्ति का योग बनेगा, माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे, जो शुगर बीपी से परेशान थे उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, अत्यधिक धन खर्च हो रहा था उस पे लगाम लगेगा, जिनके विवाह में बाधाएं हो रही थी या दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा था, मेष लग्न या मेष राशि वाले आपके लिए शनि का प्रबल होना शुभ है। बॉस से रिलेशनशिप या पिता से रिलेशनशिप जो खराब चल रहे थे वह भी आपके ठीक हो जाएंगे। शिवलिंग पे जल में काला तिल डाल के चढ़ाना आपके लिए मेष लग्न और मेष राशि वाले शुभ और लाभकारी रहेगा। वृषभ लग्न वाले आपकी अगर बात मैं करना चाहता हूं तो भाग्य स्थान में शनि विराजमान रहेगा स्व राशि का, और भाग्य स्थान में जब राशि विराजमान रहेगा शनि अपनी मकर राशि में, धन के योग प्रारंभ होंगे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य प्रारंभ होंगे, लोहा से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड काम में सफल होंगे। छोटे भाई बहनों से जो रिश्ते खराब चल रहे थे, आपसे ऊंचे आवाज में जो बोल रहे थे, इस प्रकार की समस्याएं दूर होंगी।
कर्ज के और शत्रु के स्थितियां भी जो है वह समाप्त होंगी, भाग्य साथ देगा और साथ में जो है कुछ काम आपके रुके हुए थे और पदोन्नति और प्रमोशन में जो दिक्कत हो रहे थे उस प्रकार की समस्याएं ठीक होंगी। पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और पेट संबंधित समस्याएं जो आपकी चल रही थी वह भी ठीक होंगे। मन चाह ट्रांसफर जो नहीं मिल रहा था इसके लिए भी शनि आपको शुभ और लाभकारी रहेगा। आपके लिए भी यही है, शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी खिलाएंगे तो लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले, आपकी अगर बात करना चाहता हूं, घरेलू कुछ प्रॉपर्टी विवाद था उस समस्याओं से समाधान हो जाएगा। जो स्त्रियों को ससुराल पक्ष से या पुरुषों को ससुराल पक्ष से जो परेशानियां चल रही थी वह समाप्त हो जाएंगे। वैवाहिक रिश्ते और प्रेम संबंध में आपकी जो है मधुरता उत्पन्न हो जाएंगी। संतान कंसीव होने में या संतान के करियर के कारण जो परेशान थे वह परेशानी दूर हो जाएगी। पिता से लाभ मिलेगा, नए व्यापार के और नौकरी के अपॉर्चुनिटी प्रारंभ होंगे। मैंने बताया कि लोहा संपत्ति लिक्विड पेट्रोलियम पदार्थ का स्वामी है शनि, तो इस प्रकार के समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। भाग्य पूर्णता साथ देगा। आपके लिए प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ करना 20 नवंबर तक अत्यधिक लाभकारी और शुभकारी रहेगा। कर्क राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं, विवाह सेट होने में जो समस्याएं हो रही थी उस प्रकार के समस्याएं दूर होंगी। भाग्य साथ देगा। कुछ पति पत्नी के बीच में थोड़ा अनबन चल रहा था, फाइनेंशियली क्राइसिस से आप गुजर रहे थे, इस प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्क लगन और कर्क राशि वाले, संपत्ति का योग जो चल रहा था नहीं हो रहा था वह आपके ठीक होने हो जाएंगे, क्योंकि शनि स्वतंत्र हो चुके हैं। और कर्क राशि वाले, कहीं आपको कठोर डिसीजन और निर्णय लेना था, लोग आपको दबा रहे थे, लेकिन आप किसी समय का जो इंतजार कर रहे थे 30 जून से यह समय आ चुका है, अतः कोई बड़ा और कठोर निर्णय लेकर के अपनी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं और माता से भी लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपको भी प्रत्येक दिन जो है जल में काला तिल डाल करके शिव चालीसा को और शिवलिंग पे चढ़ा के शिव चालीसा का पाठ करिएगा तो अत्यधिक लाभ और उन्नति कारक रहेगा। सिंह लगन वाले, शत्रु जरूर उत्पन्न होंगे लेकिन शत्रु का स्वयं जो है विनाश हो जाएगा। पुराने कर्ज को आप समाप्त करेंगे। कोई भी बड़े काम करने से पहले आप 20 बार सोचिएगा, क्योंकि शनि जो है संघर्ष के कारक है, तो यह कभी नहीं चाहेगा स्वतंत्र होकर के कि आपको संघर्ष कराए। प्राकर्म में वृद्धि होगा, छोटे भाई बहनों से आराम से रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और साथ में जो है कर्ज के योग समाप्त हो जाएंगे। कहीं आपको मोटा पेमेंट करना था, पैसे नहीं आ रहे थे, वह अचानक आ जाएंगे। मामा भतीजा और साथ में जो है मौसी से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कहीं पैसे फंसे हुए थे, आप प्रयास कर रहे थे सिंह लगन और सिंह राशि वाले, नहीं मिल रहा था, वह मिल जाएंगे। और नए वैवाहिक रिश्ता में जुड़ने का समय आ चुका है और वैवाहिक जीवन में जुड़ते के साथ ससुराल पक्ष से भी स्थितियां आपकी ठीक हो जाएंगी। आप भी जो है प्रत्येक दिन जो है शिवलिंग पे सिर्फ जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का 108 बार प्रत्येक दिन मंत्र का जाप करिए। कन्या लगन वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं, संतान के योग बनेंगे, प्रेम संबंध में सुधार आ जाएगा, अच्छे लोगों से संपर्क होगा, पुराने मित्र जो आपसे दुखी थे या आपसे परेशान थे इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। धन के योग अचानक अचानक प्रारंभ हो जाएंगे। नए व्यापार में परिवर्तन किए, स्थान परिवर्तन किए, लेकिन डिसीजन नहीं ले रहे थे व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, वह ठीक हो जाएंगे। लॉटरी सत्या से रिलेटेड तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। पत्नी का स्वास्थ्य या जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था, इस प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों से रिश्ते तो अच्छे होंगे ही, साथ में मन भी आपका शांत हो जाएगा। अतः कन्या राशि वाले, भगवान श्री कृष्ण का पूजा 20 नवंबर तक आप जितना कीजिएगा उतना लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है। तुला लग्न और तुला राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं, संपत्ति का वृद्धि होगा। पैसे थे, एग्रीमेंट कराए, पैसे घट गए, ना रजिस्ट्री हो रहा है ना एग्रीमेंट पूरा हो रहा है, अतः इस प्रकार की प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो लोहा पेट्रोलियम पदार्थ फैक्ट्री टेंडर ठेकेदारी से रिलेटेड है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं तुला लगन और तुला राशि वाले,
इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ में जो है धन का रास्ता जबरदस्त प्रारंभ हो जाएगा। कर्ज के कारण परेशान थे, थोड़े तनाव में थे, बड़ा डिसीजन और निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वह निर्णय लीजिएगा। और साथ में पिता से रिश्ते तो अच्छे होंगे ही, माता से भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। शत्रु टॉर्चर कर रहे थे, डैमेज कर रहे थे, कर्ज के योग से थोड़े परेशान थे, नौकरी में सफलताओं का योग नहीं बन रहा था, इस प्रकार की तो समस्याएं दूर होंगे ही। बॉस से जो रिश्ते खराब चल रहे थे, इस प्रकार के भी समस्याओं से आपको निजात तुला लगन और तुला राशि वाले मिल जाएगा। अतः प्रत्येक दिन रुद्राष्टकम का पाठ अगर आप करते हैं तो शनि का प्रभाव जो थोड़ा भी अशुभ है, अर्थात थोड़ा क्रोधित जो आपको करेगा, इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं, भाई बहनों से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, संतान नहीं हो रहा था, शिक्षा में बाधाएं हो रही थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, गले की समस्या से परेशान थे, इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ में जो है कर्ज के योग समाप्त हो जाएंगे। कोई केस मुकदमा या विवाद में अब बिना मतलब का आपको फंसा दिया गया था, उस प्रकार की समस्याओं से तो आपको निजात मिलेगा ही। इसके साथ में जो है पिता से रिश्ते अच्छे होंगे, मेहनत करने के बाद भी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले पदोन्नति की प्राप्ति जो नहीं हो रही थी, वह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्ज के योग के साथ शत्रु स्वयंता ही समाप्त हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह बताना चाहता हूं, संपत्ति लेने का प्रयास कर रहे थे, ले नहीं पा रहे थे, तो संपत्ति का योग भी आपका बहुत ही अच्छा बनने वाला है 20 नवंबर तक स्व राशि का, स्वतः शनि का, क्योंकि शनि जो है वर्गोत्तम है, अर्थात नवमास कुंडली में भी जो है कुंभ राशि में ही है। चलिए बात करता हूं धनु लगन और धनु राशि वाले, आपके लिए अगर मैं बात करना चाहता हूं तो शनि का स्वतंत्र होना सबसे पहला तीन चीजों के लिए आपके लिए शुभ और लाभकारी है। पहला, आप दयालु भावुक हैं, दूसरों को कुछ बोलते नहीं है, फायदा लोग उठाते हैं, तो पहला तो आप बोलना प्रारंभ कर दीजिएगा, पुराने मित्रों से संपर्क स्थापित होंगे, प्रेम संबंध ठीक होंगे, वैवाहिक जीवन में नए रिश्ते आएंगे, और साथ में जो है पार्टनरशिपिंग के साथ कुछ अच्छे लोगों का सहयोग भी मिलेगा, साथ में संपत्ति का लाभ मिलेगा, माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह भी आपके ठीक हो जाएंगे, घरेलू विवाद या प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं तो दूर होंगी ही होंगी। बड़े भाई बहनों से लाभ के साथ धनु लगन और धनु राशि वाले अचानक धन के योग प्रारंभ होंगे। जो एजुकेशन, बैंकिंग, प्रॉपर्टी, मेडिकल, इसके अलावा जो है होटल्स वगैरह के कार्य में जो है आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी तो रहेगा ही रहेगा। और इंडस्ट्री और लोहा तो स्वयं ही शनि के स्वयं के कारक होते हैं। आपको पूरा 20 नवंबर तक जो है आपको शिव पंचाशरी स्त्रोत अर्थात ओम नमः शिवाय और मृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ और लाभकारी रहेगा, क्योंकि शनि आपके लिए मारक है, अतः क्रोध में आप किसी को थोड़ा ज्यादा ना बोल दें। मकर लगन मकर राशि वाले, आपके लिए मैं अगर बात करना चाहता हूं तो लग्न में शनि विराजमान है, दांपत्य जीवन की जो परेशानियां चल रही थी यह तो दूर हो जाएंगी। हाँ, थोड़ा जीवन साथी का स्वास्थ्य तो डिस्टर्ब रहेगा, अतः प्रॉपर अगर आप उसका इलाज करेंगे तो इस प्रकार की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। इसके अलावा जो है पराक्रम में तो वृद्धि होगा ही होगा, भाई बहनों से रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, मकर लगन और मकर राशि वाले, काम होते होते 99.99% जो है होते होते काम जो रुक रहा था, तो इस प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, अर्थात अच्छे पार्टनर मिलेंगे, अचानक धन की प्राप्ति होगी, अच्छे लोगों से संपर्क की स्थितियां उत्पन्न होगी, पिता से लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा मकर लगन और मकर राशि वाले, साथ में जो है वैवाहिक जीवन भी आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह बताना चाहता हूं मकर लगन और मकर राशि वाले, आपके पिता के पास धन है, आपके माता के पास धन है, वो चाहे तो आपकी परेशानियों से आपको तुरंत निजात दिला सकते हैं, लेकिन ऐसा संजोग नहीं बन पा रहा था, तो इस प्रकार की समस्याएं मकर लगन
और मकर राशि वाले चुटकी में दूर हो जाएंगे स्वतंत्र शनि का, क्योंकि जब भी कोई ग्रह स्वतंत्र होता है तो उसका फल जो है कई गुना बढ़ जाता है। अतः मैं यही बोलूंगा, शनिवार शनिवार के दिन गरीबों को काला गुलाब जामुन खिलाइए, और बुधवार शुक्रवार और शनिवार के दिन जो है अगर आप काला वस्त्र का प्रयोग करते हैं, मकर लग्न और मकर राशि वाले यह ब्लू वस्त्र का प्रयोग करते हैं, तो आपके लिए शुभ और अत्यधिक लाभकारी रहेगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं, तो सबसे पहला स्वतंत्र शनि 20 नवंबर तक जो है आपको क्या करेगा, कर्ज से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। भावुकता ही आपके जीवन की सबसे बड़ी कमी है, तुरंत दूसरों पर विश्वास करना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी कमी है। अतः इस प्रकार की समस्याओं को शनि दूर करेगा। इसके अलावा जो है मानसिक शांति प्राप्त होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगा। पुराने केस मुकदमे में बिना व्यर्थ का आपको फंसा दिया गया था, यह आरोप जो आपके ऊपर मढ़ दिया गया है, इस प्रकार की समस्याएं जो है स्वतंत्र शनि आपके दूर करेंगे। मित्रों से और परिवार वालों से रिश्ते मधुर हो जाएंगे, और साथ में जो है भाग्य पूर्णता साथ देगा, और धन की कमी कहीं से भी कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले आपको नहीं होगी। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह स्वतंत्र शनि आपके लिए नए व्यापार की अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। नए व्यापार करने के लिए लोन की आवश्यकता है, तो लोन आपको पूर्णता प्राप्त हो जाएगा। शनिवार शनिवार के दिन शाम के समय में गरीबों को खिचड़ी बनाकर के खिलाते हैं, तो आपके लिए कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले शुभ और अत्यधिक लाभकारी रहेगा। अंतिम राशि मीन लग्न, मीन राशि, मीन लग्न और मीन राशि वाले शनि का स्वह राशि का स्वतंत्र होना, मैं क्या बोल सकता हूं, आपके लिए लाभकारी उन्नतिकारी शुभकारी है। कैसे? धन की योग प्रारंभ होंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम बनेंगे, जिनकी नौकरियां छूट चुकी थी या केस मुकदमाओं से जो परेशान कर रहे थे लोग, इस प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। हमेशा दूसरों पर विश्वास करना, तुरंत दूसरों पर काम को छोड़ देना अब नहीं चलने वाला, क्योंकि आप विश्वास कीजिए और लोग आपको धोखा देते हैं। तो यह वक्री शनि, स्वह राशि का शनि, स्वतंत्र शनि, मीन लग्न और मीन राशि वाले आपको कठोर बनाएगा, बड़ा डिसीजन दिलाएगा। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मेडिकल, फाइनेंस, रेस्टोरेंट, होटल्स वाला लोगों के लिए मीन लगन और मीन राशि वाले अत्यधिक शुभ और लाभकारी। इसके अलावा जो है धन के योग प्रारंभ होंगे, संतान के करियर के कारण चिंतित थे, संतान के फ्यूचर के कारण चिंतित थे, तो इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और साथ में जो है मीन लगन और मीन राशि वाले ससुराल पक्ष से मतभेद, घरेलू झगड़ा समाप्त होंगे, लोन चाहिए बड़ा काम करने के लिए, कर्ज नहीं मिल रहा था, इस प्रकार की समस्याएं तो दूर होंगी होंगी। बड़े भाई बहनों से रिश्ते के साथ पिता से भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। किसी को आप पैसा दे रखे थे, रिटर्न ही नहीं कर रहा था, तो यह शनि आपको इतना कठोर बनाएगा कि आप कठोर डिसीजन लेकर के पैसे को रिटर्न लेंगे। और साथ में मीन लगन और मीन राशि वाले यह शनि चेहरे पे फोड़ा फुंसी और थोड़ा सा आपके चेहरे पे जो है आपको कह सकता हूं कि मासूमियत को बढ़ा रहा था, और साथ में जो है चार्मिंग को घटा रहा था, तो इस प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी और धन की कमी कहीं से भी नहीं होगी। प्रत्येक दिन जो है रुद्राष्टकम पढ़िए मीन लगन और मीन राशि वाले, लाभ के साथ उन्नति के रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे। संपूर्ण मेष लग्न से मीन लग्न वाले और मीन राशि वाले शनि स्वतंत्र हो रहे 30 जून से 20 नवंबर तक का संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और ज्ञानवर्धक और लाभकारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपसे ले जाऊं इजाजत। नमस्कार। भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे, मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद।